बड़की बहू, ए छुटकी बहू, अरे कहां को भवन में जाए के बैठी हो दोनों, तने की हां तो आओ। आए गई जानकी निवास की महारानियां। इसे एक बात बताओ हमका कि काम की बखत दोनों की दोनों कहां गायब हो जात हो। बस बस, अब अपना ये पोथी पुराण बाचना बंद करो और हमका ये बताओ कि जानकी बिटिया के बर दिखवा की जो बात हम किए थे ना तुम दोनों से, वो तुमने अपने अपने भरतार से की कि नहीं? नहीं की? धन्य हो हे भोलेनाथ। अरे हमरी इन दोनों बहुओं को थोड़ी थोड़ी अक्कल दे दो। ऐसे तो दोनों बड़ी पगरेतीन बनी फिरती हो, सारे दुनिया जमाने की पंचायत अपने अपने पतियों से करती हो, लेकिन इस सास अगर कोनो काम कह दे, कोनो बात कह दे, तो मुंह में दही जम जाता है। बस बस बस, रहने दो, हम खुद बात कर लेंगे अपने बेटों से। अब ऐसे भी तुम्हारी वकालत की कोनो जरूरत ना है हमें। अब खड़ी खड़ी हमें दोनों निहार का रही हो, जाओ लगो अपने अपने काम से। और सुनो, वो जान की बिटिया के ऑफिस से आने का वक्त हो गया है, तो गर्मा गर्म पकौड़े बना लो हैं? और गुड़ अदरक की चाह। सुनो, ना पकौड़ों में ना जरा मिर्चे कम डालना। नहीं, वो कहा है कि मिर्चों से हमें वायु प्रकोप हो जाता है। चलो जाओ। देख रहे हैं भोलेनाथ, अगर इन दोनों बहुओं की लगाम हम न खींची हैं, तो जानकी निवास में पत्ता न हिली हैं।